स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो एक बार फिर से हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं सौ गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। मांगो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। मेरी आपसे विनती है कि जितना प्रचार इन डिलीवरेंस मीटिंग में हो रहा है, अगर आप थर्सडे मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, आप दूर से हैं, आपको वो प्रीच जाकर ऑनलाइन सुनना है, एक भी प्रचार इन सातों हफ्तों का आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है और आपको वो सेम नहीं रखने वाला। क्योंकि जिस छुटकारे की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत लोग उसकी चाह रखते हैं, और मैंने देखा है कि सालों साल लोगों को एक ही पोजीशन पर फंसे हुए, वो फैमिली डिस्प्यूट जो उनका सालों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि जो छुटकारे के लिए कदम उठाने जाने चाहिए वो कदम वो नहीं उठा रहे। छुटकारा हमेशा उन कदमों को उठाने के लिए बोलता है जो आपकी स्पिरिट में आते हैं पर आपके लिए अनकंफर्टेबल हैं, आपको वो कंफर्ट से बाहर कर देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर की चीज है। लेकिन याद रखो, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर प्रभु की सेवा, प्रभु का काम और प्रभु को मानेंगे, कई बार उस छुटकारे का टेस्ट आप नहीं कर सकते जो सचमुच परमेश्वर ने नेक्स्ट लेवल का आप लोगों के लिए रखा हुआ है। जब भी पवित्र आत्मा आपसे बात करे वचन के द्वारा, आपसे डायरेक्ट, किसी भी चीज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको कंफर्टेबल लगे चाहे ना लगे, आप असहज महसूस करें उस बात को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके पीछे आपका एक ग्लोरियस छुटकारा आपकी वेट कर रहा है और परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप उस छुटकारे में एंटर कर सकें। और आज मेरी प्रार्थना है कि यहोवा का आत्मा बल से आप पे उतरे और वो आपकी बुद्धि को खोल दे यीशु के नाम में, आपकी समझ खुल जाए पवित्र आत्मा के नाम में। पवित्र आत्मा आपको उन वचनों को गहराई से समझने की ताकत दे, रेवलेशन दे। आमीन। ऊंचा, ये बरकत आपकी है। अब जब मुझे ये मालूम है कि जब परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा कि मैं छुटकारे में एंटर करूं, तो कुछ देर के लिए मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। मैंने आपको थर्सडे एक वचन दिया था कि जो लोग शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, अच्छा होगा, पता नहीं बाहिनी फड़क रही है तो अच्छा होगा, मैंने 12:15 घर से निकलना है, नहीं मैंने 12:45 नहीं निकलना, नहीं मुझे इस तारीख को ये नहीं खाना, मुझे उस तारीख को ये नहीं लेना, ये सारी चीजें आपके छुटकारे के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक आप इन बंधनों में रहेंगे आप कभी छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। मुझे शाम को सफाई नहीं करनी, मुझे मॉर्निंग को ये नहीं करना, मुझे इस तरीके को, ये सारी चीजें नॉन बिब्लिकल हैं, इनके पीछे बाइबल का कोई भी तर्क नहीं है। और मोस्टली लेडीज जो हैं वो बंधन में इसलिए रहती हैं ज्यादा, दुष्ट आत्माओं के प्रॉब्लम में, बोलते लेडीज ज्यादा क्यों रहती, क्योंकि सबसे ज्यादा इन चीजों को लेडीज मानती हैं। और बाइबल कहती, तुम अगर अशुभ और शुभ मुहूर्तों को मानोगे, किसी दिन नियत या समय को मानोगे, तो मैं तुम्हारा छुटकारा नहीं कर पाऊंगा। तो यह बात आपको ध्यान से समझने की, जब परमेश्वर आपका छुटकारा मांग चाहे, वो छुटकारा आपकी फैमिली का हो सकता है कि आप चर्च में आते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो स्पिरिचुअल लेवल अभी तक मजबूत नहीं हुआ, आपने परमेश्वर की बातों को कंप्लीटली नहीं माना, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का प्लान क्या है? परमेश्वर का प्लान है कि आपके बच्चे को फॉरेन भेजना पढ़ाई के लिए, पर आपके दिमाग में वो कभी नहीं आएगा क्योंकि आपने परमेश्वर की बातों को कंप्लीट नहीं किया, या परमेश्वर उसको ऐसी लाइन में डालना चाहता है जो आने वाले समय में आपके परिवार के फाइनेंशियल सभी गरीबियों को उठा देगा, उसके फट्टे चख देगा, लेकिन कभी वो आपके दिमाग में नहीं आएगा, ना ही आपका बच्चा उस लाइन को पकड़ पाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। एक चीज जो हम आज घोषित मैं आपके लाइफ के पे करूंगा और आप उसको मानेंगे और ग्रहण करेंगे, वो ये है, उत्पत्ति 22 उसकी 1-13 आयत को हम पढ़ेंगे और मैं उसको आपको समझाऊंगा। अगर आपको छुटकारा चाहिए,
जिस तरह थर्सडे मैंने बताया कि अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपको इन चीजों को मानना पड़ता है। तो अगला पार्ट उसका है कि अगर आपको अपनी लाइफ में छुटकारा चाहिए तो आपकी लाइफ में कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। कौन सी कमजोरी की मैं बात कर रहा हूं? मैं एक इंसान की बात कर रहा हूं और मैं एक आदत की बात कर रहा हूं। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने 25 साल के बाद अब्राहम को बेटा दिया, अब्राहम को जब इजहाक दिया बाइबल कहती है तो वो इजहाक के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा टच हो गया क्योंकि उसे वो बेटा उसकी 100 साल की उम्र में मिला था। वो उसके साथ इतना जुड़ गया, इतना ज्यादा इमोशनली अपने बेटे के साथ वो अटैच हो गया कि परमेश्वर को ये बात समझ आ गई कि ये अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा जुड़ चुका है। जब आप क्रिश्चियनिटी में चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे अधिक अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों, अपने कारोबार, अपने बिजनेस, किसी से भी अधिक प्यार तुम मुझसे ज्यादा नहीं करेगा। मैंने लोगों को शारीरिक बंधनों में देखा है क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ कमजोरियां हैं। मैंने एक सिस्टर को देखा है, वो सिस्टर जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है लेकिन किसी के साथ इमोशनली वो जुड़ चुकी है और वो भी सिस्टर है और वो परमेश्वर की बात को नहीं सुन पा रही कि परमेश्वर उसे कहां ले जाकर इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि वो उसके साथ इमोशनली अटैच हो चुकी है। अब अब्राहम जो था वो अपने बेटे के साथ बहुत जुड़ा हुआ था तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उत्पत्ति 22 उसकी 1-13 आयत में लिखा है, इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा देख मैं यहां हूं। यहोवा ने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इजहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने कहा जो तेरा बेटा है ना जिससे तू बहुत प्यार करता है इसको होम बलि करके चढ़ा दे। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। अब जब अब्राहम ने सुना कि वो बेटा जो 100 साल बाद मिला है, वो बेटा जो तानों मेनों अपना परिवार अपना कुटुंब अपना देश छोड़ने के बाद मिला है, 15 साल जब देश छोड़े को हो गए यहोवा की आत्मा प्रकट हुई उससे कहा कि मैं तेरा तुझे बेटा दूंगा, फिर परमेश्वर का आत्मा प्रकट हुआ बार बार यही कहता रहा सिद्ध हो जा अब्राहम तू सिद्ध हो जा। इतनी बात इतनी ज्यादा, आजकल अगर 5 साल बाद विश्वासी को परमेश्वर बोले ना यार तू परफेक्ट नहीं है अभी तो अपनी कमियां दूर कर, बंदा बोलेगा यार प्रभु कुछ करना है तो कर, क्या कमी दूर कर, 5 साल हो गए मेरा विश्वास है कि तू परमेश्वर ले कहता। परमेश्वर कहता नहीं, अगर तुझे वो छुटकारा चाहिए जो बड़ा है, कई बार बड़े छुटकारे के लिए हमें अपनी लाइफ में से कमियों को खत्म करना पड़ता है। अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे उत्पत्ति 17 उसकी 1 आयत पहले पढ़ेंगे, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो यहोवा ने दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इमेजिन करो जब वो 99 साल का हो गया, 24 साल से अपने देश को छोड़ के आ चुका है, अभी बच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर प्रकट होकर कह रहे अब्राहम छुटकारा चाहिए तो सिद्ध हो जा और मेरी उपस्थिति में चल। अब्राहम ने ये नहीं कहा परमेश्वर 24 साल हो गए तो बातें करी जा रहा है मुझसे, मेरे लोग मेरी ताने माने दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि अपने देश को छोड़ के तो ऐसे गया था जैसे बच्चों के ढेर लगा देने, तूने अभी तक तेरे बच्चा नहीं हुआ, कहाँ गया तेरा परमेश्वर। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचन के बाहर जाकर काम नहीं करता। अगर परमेश्वर को उसको छुटकारा देना था तो बाइबल कहती परमेश्वर ने उससे कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, तुझमें अभी कमी है, परफेक्शन की कमी है। जब परमेश्वर आपसे ये बात करते हैं, मान लो परमेश्वर की आत्मा आपको बोलती है कि मेरे बेटे अपनी कमियों को दूर कर, आपको क्या लगता है? आपको मालूम नहीं कौन सी कमी है आपके अंदर? बोलो हाँ या ना। जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करके मेरी बेटी अपनी कमियों को दूर कर, क्या आपको मालूम है कमी कौन सी है? आपको पता होता है मैं टीवी ज्यादा देखती हूँ, आपको मालूम होता है मैं प्रार्थना कम करती हूँ, आपको मालूम होता है नहीं मैं कई बार चुगलियों में फंस जाती हूँ, आपको मालूम होता है कई बार मैं डर जाती हूँ, आपको मालूम होता है कई बार मैं अपने टाइथ को पे नहीं करता हूँ, आपको मालूम होता है कई बार मैं व्यभिचार में फंसता हूँ, आपको मालूम होता है ये बात। जब परमेश्वर आपको बोलता है कि सिद्ध होता जा, अब्राहम को मालूम था कि जो बच्चा परमेश्वर देना चाहता है उसमें ये प्रॉब्लम है जो अभी तक मेरी लाइफ में है, ठीक है परमेश्वर मैं सिद्ध होऊंगा। जब सिद्ध हुआ तो बाइबल कहती है जब उत्पत्ति उसके
18:1-15, तो ममरे के बांज वृक्ष के नीचे अब्राहम कड़ी धूप द्वार में बैठा था, तब यहोवा ने दर्शन दिया और उसने क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। वो 3 पुरुष एंजल्स थे, वो स्वर्गदूत थे। अब्राहम भाग के गया, स्वर्गदूतों को बोला कि आप बैठो, आओ, और जब तक खाना ना खा लो यहां से जाना मत। पहले भी दूत उसके आसपास निकलते होंगे, लेकिन उसने कभी पहचाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपको परफेक्ट नहीं करता, वो आपकी कई बार स्पिरिचुअल आईज को ओपन नहीं करता उस लेवल तक, जिस लेवल से आप उस ब्लेसिंग को ले सके जो आपके लिए ठहराई गई है, या जो बड़ा छुटकारा आप मांग रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि आपको नशे से छुटकारा मिल गया। एक भाई चर्च में आया, उसको ब्लेसिंग मिल गई, उसको गाड़ी मिल गई, उसकी मम्मी डैडी प्रभु में आ गए, पर अभी भी एक कुंडी फंसी हुई है, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी परमेश्वर में नहीं है। ये परफेक्शन मांगती है। परमेश्वर हमें कह रहा है कि तू परफेक्ट हो। अगर तुझे संपूर्ण छुटकारा, बड़ा छुटकारा चाहिए, तुझे पूरी तरह से परफेक्शन में चलना पड़ेगा। अब जब अब्राहम ने अपने बेटे को लिया, गधे पे चढ़ाया, लकड़ी ली, जब कुर्बान करने के लिए चला, और जब वो कुर्बानी देने लगा, बाइबल कहती उसने ये सोच लिया कि एक दिन परमेश्वर जो वचन में कहता है कि मैं मुर्दों को जी उठाऊंगा, तो इसहाक भी जी उठेगा, तो परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा कि उसने मेरे वंश को ब्लेस किया है। ये सोचकर जब वो उस बेचे को कुर्बान करने के लिए चला, परमेश्वर ने आवाज़ दी, अब्राहम, अब्राहम, अपनी हाथ पीछे कर ले, छुरी को ना चला। तूने जो अपने एक लौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। और बाइबल कहती है, यहोवा ने कहा, तूने जो मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। अब्राहम का प्रेम, जब उसका इमोशनली अटैच ज्यादा हो गया वो इजहाक से, जब उसने इजहाक को कुर्बान करने की सोच ली, उसने अपनी पत्नी के साथ सलाह नहीं की, वो उसने अपने पत्नी के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया। उसे मालूम था कि अगर मैं सलाह मशवरे में पड़ जाऊंगा तो परमेश्वर की आवाज़ को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। कई बार परमेश्वर आपसे बात करता है कि मेरे बेटे मेरे लिए ये काम करने, आप जब परिवार वालों के साथ सलाह करने बैठ जाते हैं, वो खत्म हो जाती है चीज़। जो परमेश्वर ने आपको बोला है, कई बार आपको आपको इमीडिएटली कर देना है, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, आपको छुटकारा दे सके। अब जब अब्राहम अपने बेटे को लेके जा रहा था, क्या हो रहा था मालूम? परमेश्वर ने उसे कुछ दूर जाने के लिए बोला, एकदम से घर पे क्यों नहीं कर दिया परमेश्वर ने उसको, अगर किसी को बलि चाहिए, जबकि अब्राहम ये जानता था कि परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता, वो इंसानों से प्यार करता है, तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि अगर कुर्बानी चाहिए तो परमेश्वर बोलता कि तेरे घर के बाहर जो वेदी बनी है वहां पर इसहाक को चढ़ा दे और मार दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो दूर देश में जा। जब अब्राहम रास्ते में अपने बच्चे को लेके जा रहा था और उसे मालूम था कि मैं इसे मारने वाला हूं, उसका प्रेम अपने बच्चे के प्रति कम और परमेश्वर के प्रति बढ़ता जा रहा था। परमेश्वर उसको डी अटैच कर रहा था। बाइबल कहती अपनी पत्नी से प्रेम कर, अपने बच्चों से प्रेम कर। वो प्रेम परमेश्वर से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर से ऊपर हो जाएगा तो हमें ठोकर मिलेगी। हालेलुया कि आज हमारा आज हमारा प्रेम परमेश्वर है। हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जैसे ही मुझे कोई दूसरे धर्म की लड़की मिली तो मैं उसके हिसाब से चलना शुरू हो गया। इसका मतलब मैं परमेश्वर से कम और अपने लोगों से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ठोकर आना लाजमी होगा। मैंने बहुत से लोग देखे, पहले यहोवा यहोवा, यीशु यीशु करेंगे, जैसे ही पति दूसरे धर्म का मिला फिर उसकी बातें करने शुरू कर देंगे, और बाद में जब ठोकर मिलेगी रोते रोते मैसेज करेंगे, मैं तो मर गई, मैं तो लुट गई, मैं तो मर गया, मैं तो लुट गया। अरे पहले देखो, परमेश्वर ने कहा है जो कुछ तू मुझे छोड़कर पाना चाहेगा वो तू 100% गवाएगा। तू रिश्तेदार तुझे डराते हैं कि तू मुझे यीशु को छोड़कर, तो हम तुझे छोड़ देंगे, तो यीशु मसीह को छोड़ देगा एक दिन, रिश्तेदार भी तुझे छोड़ देंगे, समाज भी छोड़ देगा, बीमारियां भी घेर लेंगी, तेरा कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर तू परमेश्वर को पकड़े रहेगा, वो एक दिन पकड़ेगा, ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा, परिवार को आशीषित करेगा। अब अब्राहम जब उसे लेके जा रहा था, वो उसके साथ जो अटैचमेंट थी उसकी परमेश्वर ने ब्रेक की। प्यार वो इसहाक से करता रहा। बाइबल कहती अपना सब कुछ उसने इसहाक को दिया और अपने बाकी बच्चों में को भी कुछ कुछ दिया। इसहाक का उसका प्रेम कम नहीं हुआ। परमेश्वर हमको नॉन सेंसिटिव नहीं करना चाहता, इनसेंसिटिव नहीं करना चाहता। परमेश्वर हमको
ऐसा नहीं करना चाहता कि हम प्यार ना करें या हमारे अंदर इच्छाएं ना हो, इमोशंस ना हो, लेकिन वो ये चाहता है स्ट्रांगली कि हमारे इमोशंस, हमारा प्यार पहला परमेश्वर के साथ हो, बाकी सारा कुछ उसके नीचे हो। आमीन। बाइबल कहती पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी शक्ति से तू परमेश्वर से प्यार कर, और उसी के समान दूसरी आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी से तू अपने समान प्यार कर। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। अगर मुझे छुटकारा चाहिए तो मुझे ये बात ध्यान से समझनी है कि मुझे ऐसी कोई भी आदत नहीं होनी चाहिए जो मेरी सिद्धता में रुकावट हो। मोबाइल फोन आपकी सिद्धता में रुकावट है तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरे बेटे मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आपको मालूम है प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं मोबाइल बजता है, आपको मालूम है प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं आपको फेसबुक जाने का दिल करता है, उसे ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड में मत लगाओ, फ्लाइट मोड आप झट से ऑन कर लोगे, उसे ऑफ कर दो और रख दो। जब तक आपकी स्पिरिचुअल असाइनमेंट पूरी नहीं होती, प्रेयर पूरी नहीं होती, प्रभु के साथ समय पूरा नहीं होता, तब तक उसको ऑन मत करो। हालेलुया। वो टीवी हो सकता है, वो खाना हो सकता है, वो गुस्सा हो सकता है, वो डर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी सिद्धता में रुकावट है, आपकी लाइफ में एक रुकावट है। क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, अब्राहम को मालूम था कि कौन सी ऐसी चीज है जो मेरी सिद्धता में एक रुकावट बन रही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा बी परफेक्ट, जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता परफेक्ट है उसे उसी तरह तुझे भी परफेक्ट बनना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपकी किसी के साथ भी ऐसी अटैचमेंट जो परमेश्वर से ज़्यादा हो आपकी लाइफ में बंधन को रख सकती है, आपकी लाइफ में परमेश्वर के वचन को पीछे रख सकती है और परमेश्वर के वायदे जो आपकी लाइफ में पूरे होने चाहिए उनको रोक सकती है। हालेलुया। आपका पहला प्यार यीशु मसीह होना चाहिए। आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई खाना, ऐसी कोई डर, कोई मोबाइल, कोई टीवी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आप परमेश्वर से ऊपर रखें। कई बार आप परमेश्वर चर्च में आते हैं लेकिन जिस दिन आपको 10 लाख का ऑर्डर मिल गया उस दिन संडे आप मिस कर जाते हैं क्योंकि मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आपका पहला स्थान यीशु मसीह है, आप उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। आपके बच्चे चर्च में होंगे। मैंने आपको बताया था कि पहले बच्चे 16 साल के होते थे उनको कुछ मालूम होना शुरू होता था, आज 8 साल के बच्चे को मालूम होना शुरू होता है क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, फोन्स का जमाना है। अगर उनको पाप मालूम हो रहा है तो क्यों तुम उनको वचन नहीं दे रहे और चर्च में नहीं लेके आ रहे? वो इतने मैच्योर हो चुके कि आपके साथ बैठें, साथ बैठकर वचन सुने। अभी से उनको उस शिक्षा पर लेके जाओ, जब वो जवानी में जाएंगे आपका सहारा बनेंगे, वो आपको साथ लेके चलेंगे, वो आपसे पीछे नहीं हटेंगे। आमीन। आपको ये बात ध्यान से रखनी कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइफ में ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई दोस्त नहीं होना चाहिए जिसकी बात आप परमेश्वर से भी ज्यादा मानते हो। आमीन। ये चीजें क्या करेंगी, कई बार आपको अनकंफर्टेबल करेंगी। जब परमेश्वर ने इसहाक को कुर्बानी करने के लिए बोला तो वो अनकंफर्टेबल में जोन में चला गया, उसे वो सारी चीजें, वो सारे साल याद आने लगे जब इसहाक हुआ, जब इसहाक बड़ा हुआ, इसहाक की सारी बातें। लेकिन परमेश्वर उसके दिल से वो स्थान निकाल रहा था जो उसने इसहाक को दे दिया था परमेश्वर की जगह के ऊपर। और जब वो स्थान निकल गया, इसहाक अपनी जगह पे आ गया और परमेश्वर अपनी जगह पे आ गया। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं जलसी रखने वाला परमेश्वर हूं, तो मेरी जगह किसी को नहीं दे सकता, मेरी जगह किसी मूरत को नहीं दे सकता, मेरी जगह तो किसी इंसान को नहीं दे सकता, किसी दोस्त को नहीं दे सकता, किसी माँ को, किसी बाप को नहीं दे सकता। अगर कोई मेरा चेला होना चाहता है और अपने माँ, अपने बाप, अपने बच्चों, अपने खेतों को मुझसे अधिक प्यार करता है तो वो मेरा चेला होने के काबिल नहीं है। जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो मेरा चेला होने के काबिल नहीं है। दो स्त्रियां आटा पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी स्वर्ग की ओर, एक छोड़ दी जाएगी। कौन उठा ली जाएगी? जिसके दोनों हाथ चक्की के ऊपर हैं। कौन उठा ली जाएगी, कौन रख दी जाएगी नीचे? जिसका दानों में हाथ है। दाने संसार को दिखाते हैं, जो संसार में भी गुमी हुई है, परमेश्वर के काम में भी गुमी हुई है, परमेश्वर ने कहा वो छोड़ दी जाएगी, लेकिन जो पूरी तरह से मुझ में प्रेम में है वो उठा ली जाएगी। मेक श्योर आपका ध्यान स्वर्गीय शहर यरूशलम की ओर हो, आपका ध्यान स्वर्ग की ओर हो, आपका ध्यान मुक्ति की ओर हो।
ताकि कोई भी दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को, आपके छुटकारे को आपके परिवार में आने से कभी ना रोक सके। सुनो, आप कितने साल से क्रिश्चियन हैं कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको दिखा देता हूं, बॉर्न क्रिश्चियन 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों से, जो गरीबी पहली पीढ़ी में थी वो दूसरी पीढ़ी में आई, दूसरी पीढ़ी वाली तीसरी में, तीसरी वाली चौथी में, सेम पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीबी चलती जा रही। कारण परमेश्वर है क्या? नो 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 नो, कारण परमेश्वर नहीं, कारण हम लोग हैं। अगर हम अच्छी संगति नहीं करेंगे, वचन को धारण नहीं करेंगे, जो बाइबल कहती है उसे कंप्लीट नहीं करेंगे, तो हम अपने छुटकारे को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमें छुटकारा हासिल करना है तो उसका एक ही रीजन है कि आपको परमेश्वर के वचन में स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, उसे एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा, जो कुछ आपसे बोला जाए आपको एग्जैक्ट मानना पड़ेगा। आमेन। मैं आपको बता रहा हूं, लोग इन चीजों को मानते हैं। टाइम 12:15 हुए, अभी नहीं निकलेंगे, 1:45 अभी नहीं, थोड़ा 1:15 हो जाए, 1:05 हो जाए, चढ़ते टाइम से जावांगे। नो 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 नो, मैंने अपनी गाड़ियों को मोस्टली, मैं, मेरे को टाइम ही ऐसा लगता है कि मैं शनिवार को अपनी गाड़ियां लेता हूं, जो गाड़ी खरीदता हूं वो शनिवार को मैं खरीदता हूं, टाइम ही मुझे इस तरह से लगता है। बाइबल कहती है तुम शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानोगे तो परमेश्वर तुम्हारा छुटकारा नहीं होने देगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे करीब लोगों को देखा है, कोई कई बार शादी की पिक्चर भेजते हैं, बोलते मैंने कहा ये क्या किया, वो नीचे कुछ ऐसा करके फिर वो बैठता है, फिर उस पर पीला पीला कुछ, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये हमारे रिवाज है। मैंने कहा ये सारे बंधन है, ये रिवाज नहीं, ये आपको बंधन में रखेंगे, ये परमेश्वर के छुटकारे को रोकेंगे। इसलिए जब आप हमारी चर्च का पैटर्न देखेंगे, जब हमारी चर्च में शादी से पहले जब रस्में होती दूसरे लोगों के, तो हम वो रस्म का नाम रखते हैं अनॉइंटिंग ऑयल रस्म, जहाँ पे आप अनॉइंटिंग ऑयल हम लगाते हैं किसी जादू टोने को बिना किए। हाँ, तो क्या होता क्या है, हर चीज में अनॉइंटिंग मिलेगी, हर चीज में परमेश्वर का वचन मिलेगा, आपकी मैरिजेस ब्लेस होंगी, आपको बंधनों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको शैतान का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको श्रापों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये याद रखना है, आपके अपने कर्म, बाइबल कहती तू अपने ही कर्मों से, अपने ही मुंह के गंदे शब्द और अच्छे शब्दों के द्वारा जांचा जाएगा और हर एक चीज का तू लेखा देगा। हमें यह ध्यान में रखना है कि परमेश्वर मेरा छुटकारा चाहता है, इसलिए मैंने कहा कोई भी छुटकारे के वचन को मिस नहीं करेगा। आप छुटकारे के वचन को सुनेंगे, आपको मालूम होगा कि ये सारी चीजें बंधनों में डालने वाली, वहमों में डालने वाली। आमीन। पीछे से छींक मारती, ले यार तू छींक मारती पीछो, ओ यार छींक मारी, तुम ब्लेस्ड हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, भाग जाओ काम पे। मैं दुबई में था, वहां पे मेरा एक, मैं अपने जब बाहर था गली में, तो एक बिल्ली निकली काले रंग की मेरे सामने से, ओ काले रंग दी बिल्ली, ओ बिल्ली, मैं भजया बिल्ली मगर, तो बिल्ली फाड़ ली मैं, वो पड़ोसी की थी, हमारे पड़ोसी की, तो मैंने पकड़ के उसे अच्छी तरह से, बिल्ली भी बड़ी अच्छी थी, वो बड़ी अच्छी था, मैंने उसको प्यार किया, फिर मैंने छोड़ दिया, काली बिल्ली बिल्कुल, कोई और डर जाने लै भी अज रात नू तो यार पाम, कितने समझ रहे मेरी बात को, ये परमेश्वर ने बनाए हैं ये जानवर, पंजाबी जो नैशी कहते हैं, हाँ, और हिंदी में क्या कहते हैं, मनहूस, मनहूस नहीं है, यहोवा ने बनाए हैं, इंजॉय करो। बिल्ली रास्ता काट दे तब प्रॉब्लम, छींक मार दी तब, पीछे से यार पिछों आवाज देती तू, और कितों तेन आवाज दे, पिछों ही देनी है जो तू अगे आते हैं, कितों दूगा आवाज तेन, पिछों ही दूगा ना। ये सारे वहम खत्म कर दो आज से, तुम वो हो जिसके अंदर यीशु मसीह बसता है, तुम एड्रेस हो खुदा का। सुनो, जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे, लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, सेकंड शैतान तुम्हारा फायदा उठाएगा। तुम कौन हो? और तुम परमेश्वर की संतान हो, उसने कहा तुम मेरी व्यवस्था पे बने रहोगे, तुम्हारा घर ब्लेस्ड, बच्चे ब्लेस्ड, बैंक बैलेंस, खेत, जिस जगह जाओगे ब्लेसिंग तुम्हारे तुम्हें फॉलो करेगी। अगर तुम बात करो ना कि मैं इन चीजों को नहीं मानता था, मैं सबसे ज्यादा इन चीजों में फंसा हुआ था, मैं इतना ज्यादा फंसा हुआ था कि अगर रास्ते में जब मैं अपने कॉलेज में जाता था, अगर कुछ जगहों को मैं देख कर ही जाता था अपनी बस से, अगर मैंने उनको ना देखा और ऐसे ऐसे कुछ मैं करता था वो ना किया,
तो मुझे लगता था कि मेरा पूरा कॉलेज में जो हफ्ता है ना, ये मेरी वाट लगेगी पूरी, अच्छा नहीं निकलेगा। इतना वहमों भरमों में मैं फंसा हुआ था, कोई जगह छोड़ता नहीं था, चर्च आए उसको भी, दूसरा उसको भी, तीसरा कि मुझे देख कर जाना है। कुछ स्पेशल जगहें भी थी, मुझे मालूम था मुझे देख कर इनको जाना है, झुका के जाना है सिर को। मैं वो इंसान नहीं जो आपको सिर्फ सलाह दे और अपनी लाइफ में उसको उसने नाम माना हो। मैं इन बंधनों में रहा हूं, इतने बंधन बढ़ गए कि मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हो गए, इतने बढ़ गए थे वो। लेकिन जब परमेश्वर मेरी जिंदगी में आया, उसने बताया पुराने नियम में लोगों पर आत्मा उतरता था, बोलता था, वो लोग ब्लेस होते थे, खुदा उनके साथ रहता और आत्मा चला जाता था। आज आत्मा आपके अंदर रहता है, आपकी इनसाइट। इमेजिन करो जब आप जा रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर है, क्या आपको पीछे से आवाज देने का फर्क पड़ेगा? क्या आपको छींक का फर्क पड़ेगा? क्या आपको आंख फड़के कान फड़के फर्क पड़ेगा? क्या 12:15 हो, 1:15 हो, 12:15 हो, फर्क पड़ेगा? दिन का फर्क पड़ेगा? हमें किसी की निंदा में नहीं जाना, लेकिन हमें खुद बंधनों में नहीं घुसना है। आमीन। जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इंडिया है, ये फ्री विल है आपकी, आप अपने धर्म को फॉलो, अपने वहमों को फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई रोकता नहीं। लेकिन मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं। आमीन। आप नहीं करेंगे ये चीजें, ये बंधन है, ये आपको बॉन्डेज में रखेंगे, बंधन में रखेंगे। ये आपको परमेश्वर को, जो जिसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह कुर्बान हुए, उसकी कुर्बानी का आपको फायदा नहीं लेने देंगे। हालेलुया। आप जानते सरकार की बहुत सी स्कीमें होती जो आम लोगों के पास नहीं पहुंचती, उनको लगता अच्छा ये भी स्कीम है, अच्छा ये, क्योंकि लोगों को पता नहीं। यीशु मसीह की बहुत सी ऐसी स्कीम चल रही है स्पिरिचुअली, लोगों को मालूम नहीं वो क्या है। यीशु मसीह के बहुत से ऐसे जो चल रही हैं चीजें स्पिरिचुअल लाइफ में, लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है। कोई वहम में मत फंसो, किसी भरम में मत फंसो, किसी रीति रिवाज में ऐसे मत फंसो जो परमेश्वर से आपको दूर ले जाए। खासकर शादियों के टाइम, खासकर दूसरी चीजों के टाइम, जब आप जब आपके पास एक मौका होता है यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए, आपकी शादी है, ऑयल मीटिंग रखो, अपने बच्चों को ऑयल लगाओ, ऑयल में डाल दो यार हल्दी, कोई हल्दी से थोड़ी हमें कोई दिक्कत है, कुछ भी कर लो, लेकिन वो मीटिंग में प्रचार करो, केयरसेल मीटिंग रखो, हाँ यीशु मसीह के प्रीच के लिए वो मीटिंग यूज करो। इमेजिन करो अगर आपकी शादी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगी तो उस पर ब्लेसिंग आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी शादी में वो चीज़ें होंगी जो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो दारू, वो चीज़ें, कि है तो हम सारा साल क्रिश्चियन लेकिन शादी उस हिसाब से नहीं करेंगे, शादी में हमारे वही बजेंगे, वो दारू पीनी है कि नहीं पीनी, हाँ वो शादी में वही बजेगा, तो तुम क्रिश्चियन किस बात के हो फिर? तो तभी तो फिर बंधन रहेंगे जब परमेश्वर से ज़्यादा हम समय, परमेश्वर से ज़्यादा हम मान्यता, परमेश्वर से ज़्यादा हम किसी को समझेंगे, तो वही चीज़ें हमारी लाइफ में बंधनों को पैदा करेंगे। जब आप उन चीज़ों से निकल जाएंगे, आप नोटिस करेंगे ऑटोमेटिकली, आप प्रेयर करते रहेंगे नहीं होगा ये काम, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके बच्चे चेंज हो रहे हैं, वाइफ चेंज हो रही, फैमिली चेंज हो रही, फाइनेंस चेंज हो रहे हैं। मैं बदलाव की घोषणा करता हूँ इस चर्च के ऊपर, बदलाव की घोषणा करता हूँ खामरा चर्च के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, ऑनलाइन लोगों के ऊपर। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? ये चीजें आपको आपको फॉलो करनी है, ये चीजें आपको फॉलो करनी है, आपको ये बात समझनी है कि आप परमेश्वर में हैं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, बसता है आपके अंदर है वो। यस, आप जाएंगे, छींक आए, आंख फड़के, पीछे से आवाज आए, आप ब्लेस्ड हो, मेरी बात को सुनो। आप घर से निकलेंगे, आप बोल के निकलो, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आ रहा हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मेरा बैंक बैलेंस ब्लेस्ड है, मेरी कठौती, मेरा मेरा मेरे खेत, मेरा बिजनेस ब्लेस्ड है, मेरे बच्चे, मेरा घराना ब्लेस्ड है। उसने कहा अगर तू मेरे वचन को मानेगा तो मैं तेरी सारी चीजों पे ब्लेसिंग दूंगा। लोगों के पास पैसा है पर फैमिली लाइफ ब्लेस नहीं, पैसा है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कोई गड़बड़ चलती रहती, क्योंकि वो ब्लेसिंग यहोवा की ओर से नहीं है। यहोवा ने कहा जब तू मेरी व्यवस्था पे चलेगा तू हर जगह ब्लेस्ड होगा, जाएगा, आएगा, ठहरेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, तो ब्लेस्ड होगा। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर ने आपको किसी खास मकसद के लिए चुना है, ऐसे किसी बंधन में नहीं फंसना। जो कुछ परमेश्वर कहता है
आपको वो करना है। आपको मालूम मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि तू जाएगा, मूसा माना नहीं, किसको शामिल कर लिया, अपने भाई को। और बछड़ा किसने बनाया था, उसके भाई ने। अगर आप बाइबल को बहुत डीप स्टडी करेंगे ना, आप एक बात को निचोड़ निकाल लेंगे कि जब परमेश्वर आपको पहली बार कुछ कहता है, सेम टाइम उसको फॉलो कर लो। मूसा बहस ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं मुंह का भद्दा हूं, मैं इसका भद्दा हूं, मैं उसका भद्दा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, हारून तेरा भाई आ रहा है, तू उसको बताना, वो राजा को बताएगा। शायद परमेश्वर का वो परफेक्ट प्लान नहीं था, हारून के जीवन में भी कुछ ना कुछ होता प्लान, लेकिन वो नहीं था, लेकिन मूसा की जिद की वजह से वो हुआ। और बछड़ा किसने बनाया, जब मूसा पहाड़ पे था, उसी हारून। जब परमेश्वर आपको कुछ कहे, मेरी विनती हाथ जोड़ के सेम टाइम फॉलो कर लो, एग्जैक्ट टाइम। आपको लगता है वो पैसों को चाहता है, आपको लगता है कि वो आपके टाइम को चाहता, अरे भाई वो क्या चाहता है जिसने सब कुछ बनाकर आपको दिया है। वो ये सिस्टम बनाता है ताकि तुम लोग ब्लेस रह सको। मैं बड़े बड़े बीजों को बोता हूं ताकि मेरे प्रेम जड़ा मैं ना पैसे के साथ ना, मुझे इतना पता हो कि अच्छा इतना पैसा आ गया, मैं प्रभावित ना हूं, मुझे मालूम है मुझे बोना है। उसने कहा कि तुम पहला प्रेम किसके साथ करना है आज से। अपने हाथों को उठाओ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।